सवाल ये है कि अगर बात करें हम फूड सप्लाई के मामले में, तो भारत ने अरब नेशंस को फूड सप्लाई करने के मामले में पहली पोजीशन हासिल की है, यानी वो पहले रैंक पर आए हैं एक्सपोर्ट के मामले में, फूड को एक्सपोर्ट करने के मामले में। आप इसको कैसे देखते हैं, और उसने ब्राज़ील को भी बीट कर दिया? तो सबसे पहली बात ये है कि इंडिया जो है उधर कल्टीवेशन जो सिस्टम है ना, वो पाकिस्तान के नस्बत और दूसरे ममालिक के नस्बत ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद ये जो खेती बाड़ी का जो काम होता है, वो लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में। तो इसी वजह से जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है वो रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आ गया है। अच्छा, मैं एक टाइम पर समझता था कि पाकिस्तान और भारत फूड सप्लाई की चेन में कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन हमारे अपने पॉलिटिकल इतने इश्यूज चल रहे हैं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट और बाकी तमाम चीज़ों को इतना निगलेक्ट कर दिया कि अब ये टाइम आ गया है कि हम रैंकिंग में कहीं करीब करीब ही नहीं आते। हम लोगों ने बाकी अपने मसले मसाइल को इस चीज़ पर इतनी तरजीह दे दी कि आज ये टाइम है कि हम लोग बिल्कुल ही फूड सप्लाई की चेन से पीछे हट गए हैं। अब वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं रहा। अब मैं समझता हूँ कि भारत बहुत ऊपर निकल गया है। अगर हम चाहते हैं कि हम इंडिया और बाकी जितने ममालिक हैं हम उनसे कम्पीट करें, तो हमें चाहिए कि हम अपने पॉलिटिकल जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं उनसे हट के बाकी चीज़ों पे फोकस करें। जब तक पाकिस्तान के अंदर ये मसले मसाइल रहेंगे कि किसने करप्शन की, किसने करप्शन नहीं की, हमने किसको पकड़ना है, नैब ने किस पे आना है, किस पे नहीं आना, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं हम तरक्की करें, हमें चाहिए हम अपने मुल्क को देखें कि हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये नहीं कि इसको पकड़ना है उसको पकड़ना है। वो ऐसे ही देखा जा सकता है कि वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मतलब अपग्रेड हो गया काफ़ी अच्छा हद तक, काफ़ी वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इसको हम कंपेयर अगर पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान आपके सामने ही है, जो हाल है, जो हमारी बैकबोन थी एग्रीकल्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, ट्रैक्टर्स पुराने से पुराने हैं, इरीगेशन सिस्टम अपना पुराना है। तो ये होना ही था एक ना एक दिन, क्योंकि जो उनका जो प्रेसिडेंट मोदी जो भी है, मोदी नाम है नरेंद्र मोदी, तो वो तो मतलब कि अब जहाँ मतलब मैं ऑब्वियसली उधर तो नहीं होता, लेकिन अब जो न्यूज़ वगैरह आती है उसके देखने, फोटोज़ वगैरह देखने से तो ये लगता है कि वो काफ़ी एडवांस कर गया, और मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है। यही कहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगा, मुझे काफ़ी खुशी है कि उन्होंने ये आया, मैं कंपेयर भी नहीं करना चाहूँगा। मुझे बस अफसोस इस बात का, पाकिस्तान भी ये कर सकता था, बस इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, और बाउंड्रीज इनकी जो हैं, बाउंड्रीज जो हैं इन्होंने काफ़ी अपनी लिमिटेड की हुई हैं, और आई होप कि पाकिस्तान भी इस रैंकिंग में आए कभी ना कभी, और मुझे काफ़ी खुशी है। okay, सर, मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी अपने इस सिस्टम पर वर्क करे, और ताकि ये भी बीट कर सके ब्राज़ील और इंडिया को। ठीक हो गया। सबसे पहले देखा जाए तो हम जो भी बंदा किसी भी फील्ड में मेहनत करता है उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। ये अलग बात है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क समझा जाता है पाकिस्तान का, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो एजुकेशन में, फूड में, दूसरे जितने भी ये डिपार्टमेंट्स है उसमें इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा मेहनत कर रही है, ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो मे भी हो सकता है कि उनकी स्ट्रगल को देख के उनको नंबर वन मिला हो। क्या भारत की फूड की क्वालिटी आज के डेट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है कि बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में भारत के फूड को ख़रीदना पसंद कर गया लार्ज स्केल में? अगर हाँ तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को जाता है? क्या कहेंगे आप कि आज भारत फूड सप्लाई के चेन में इतना आगे चला गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनकी क्वालिटी बहुत हाई क्लास होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके रेट्स मतलब इस तरह के होंगे कि मतलब के बायर के जो मुल्क हैं वो इंपोर्ट करने से पहले सोचे कि हाँ मैं ज़्यादा तादाद में खरीदूँ, मतलब ये नहीं कि टॉप की होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ तो वो बिल्कुल ही ठीक होगा। ये बताएं कि अगर आप एक मार्केट में चीज़ ख़रीदने जाते हैं, अगर आपको उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी, प्राइस कम मिलेगी, तो आप ख़रीद लेंगे? मैं तो ना खरीदूं, लेकिन अब आपने अपने आप को भी तो देखना ना, आप सिर्फ गवर्नमेंट अपने लिए थोड़ी ले रही है, उन्होंने अपने आवाम के लिए। आपको लगता है कि अरब कंट्रीज़ में जो फूड होता है वो मतलब खालिस जो होता है, मैंने तो ये सुना है कि जो अरब कंट्रीज़ में है कि वो खालिस फूड होता है, और हम उसकी जो क्वालिटी में कोई वो फ़र्क महसूस नहीं करते, इवन कि हम भी कहते हैं कि जो फूड है बाहर का हम अपनी कंट्री में लेकर आएँ, तो इस हिसाब से तो भारत का जो फूड क्वालिटी है इस हिसाब से तो अच्छी जा रही है ना। ये कह सकते हैं कि अगर हम मतलब इंडिया को अगर हम बाहर जैसे यूरोप हो गया, यूएस हो गया, उनके साथ कंपेयर करेंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अपना जो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट कह सकते हैं अपनी शुरू से ये बड़ी मशहूर है अपनी सब कॉन्टिनेंट वाइज। अगर आप देखें तो इंग्रेडिएंट्स हमारे बेस्ट होते हैं। अगर आप भी देखें, अगर आप सब्ज़ी की दुकान पर जाएँ आपको जापानी केला मिलेगा वहाँ से, और आप जब टेस्ट करेंगी तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हमारा टेस्ट अच्छा भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ अच्छा होगा,
मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ही बेस्ट होगा, पाकिस्तान बेस्ट कर सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भारत से नहीं हूँ, ना मैंने उनका कोई फूड ट्राई किया है, ना कोई प्रोडक्ट ट्राई किया, पर डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जो वो टॉप रैंकिंग में है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? वास्ट कंट्री है तो इसलिए ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट इस चीज़ पर हो रही है, पाकिस्तान इस पर नहीं वर्क कर रहा, तो क्या सही हो गया? आप बिल्कुल, उनकी गवर्नमेंट क्रेडिट जाता है, उसकी वजह ये है कि अगर आप फूड पे बेसिक इंग्रेडिएंट देखें वो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें देखें, अब वो अपने किसी भी किसान को जितनी सब्सिडी दे सकते हैं उतनी सब्सिडी देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे DAP की आप बोरी देख लें तो DAP की बोरी इस टाइम पिछले तकरीबन 3 साल में 2,000 से 6,000 रुपये पहुँच गई है। मतलब हम अपने किसानों को बिल्कुल भी इस तरह सपोर्ट नहीं करते जिस तरह वो करते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब अगर हमारी वीट प्रोडक्शन आप देखें वो कितनी नीचे आ चुकी है। उसकी वजह क्या है कि किसान जो उनसे है वो फसल लगाने से बेहतर समझता है कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ, मैं ज़्यादा अपने आप को बेहतर रख सकता हूँ। इंडिया इसके बरक्स उन्होंने सब्सिडी देना शुरू की, इस तरह कि उन्होंने ट्रैक्टर्स, आपके क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र और बाकी जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ तक कि किसानों को लोन्स विदाउट एनी इंटरेस्ट वो सारे देना शुरू किए। उनकी वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर काफ़ी मेहनत की। हम लोगों के आज तक जो पुराना रिवायती ज़मींदार हुआ करता था उस तरह होता है, मतलब कि वही पुरानी कनाल दें वहाँ पर, यहाँ तक ड्रिपिंग सिस्टम चलता है। हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें ड्रिपिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमें आधे साल लोगों को पता नहीं ड्रिपिंग सिस्टम होता क्या। ये छोटी छोटी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बहुत कम होगी और प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी भी गिरती गई, तो बस हमारे पे इंटरनेशनल मार्केट में नाम ख़राब होता गया। एक्चुअली बात यह है कि जो इंडिया में जो खेती बाड़ी का सिस्टम, वो जो निज़ाम है वो मतलब ज़्यादा उनको प्रिफर करते हैं, उसके बाद मतलब उसकी जो क्वालिटी, जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है दूसरे ममालिक के नस्बत। और तीसरी बात यह है कि मतलब किसी भी एक्सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा जो फॉरेन अफेयर जो दूसरे ममालिक के साथ जो होता है ना वो बेटर होना लाजमी है। इस वक्त ताल्लुका है जिस ये, मतलब जैसे इंडिया का है भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा वो मसला है, बाकी इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा अमेरिका के साथ और इस तरह दूसरे जो ममालिक है ना उनके साथ उसका जो फॉरेन जो अफेयर है ना वो बेस्ट है। सो भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज वो बहुत अच्छी है इसी वजह से। और उसके अलावा जाहिर सी बात है उनका जो क्वालिटी जो है वो अच्छा होगा तभी तो मतलब लोग उससे एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाकी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान का या तो पाकिस्तान में भी खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीनें भी बहुत कम है। कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे मतलब जो खेती लोग वो खेती बाड़ी करते हैं, बाकी सारे जगहों में इमारत बिल्डिंग। इधर मतलब पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोग हर जगह में घर और मतलब बिल्डिंग्स की तामीरात करते हैं। सो इस वजह से पाकिस्तान, इस वजह से मतलब जो कल्टिवेशन जो प्रोसेस है इसमें इंडिया की नस्बत पीछे। तो बाकी हमें चाहिए कि जो पाकिस्तान में हम खेती बाड़ी जो है उसको भी प्रमोट करें, सिर्फ पॉलिटिकल और दूसरे जो पढ़ाई इधर इन चीज़ों में फोकस नहीं करें, बल्कि जो गांव और ये देहात जो एरिया से उनमें हम लोग ये खेती बाड़ी जो है इसको प्रमोट करें। देखें पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते आज के डेट में, और दैट्स वाई हम फूड के मामले में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से भारत कर रहा है। आप क्या वजह समझते हैं कि हम लोग अपने जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को उस हिसाब से जो है वो मतलब यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, और भारत आज के डेट में उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा है और वो पहले रैंक पर आ गया फूड सप्लाई के मामले में? आप इसको कैसे देखते हैं, दोनों कंट्रीज़ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? तो असल में पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज तो है लेकिन वो जो रिसोर्सेज पाकिस्तान वाले जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब इसमें मैं तो गवर्नमेंट की कमज़ोरी समझता हूँ, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करता है जिस वजह से पाकिस्तान का जो खेती बाड़ी का जो निज़ाम है वो मतलब दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो इस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया ये देखा जाए तो भारत का जो मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटी मतलब पाकिस्तान की नस्बत उसको ज़्यादा देता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में तो यही है कि मतलब हमें भी खेती बाड़ी के अंदर उसमें गवर्नमेंट को वो खेती बाड़ी में वो फोकस करना है और बाकी कुछ नहीं। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, अच्छा नहीं, कोई नहीं, आप बोले। वो कट होगा उधर से जो। तो उसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया में मतलब इतना लोग क्या करते हैं खेती बाड़ी, और उधर मतलब पाकिस्तान की नस्बत जो एरियाज वगैरह जो है वो मतलब खेती बाड़ी करने के लिए ज़्यादा है,
और उधर के अक्सर लोग ज़्यादातर उनका फोकस जो होता है वो खेती बाड़ी के ऊपर होता है। कि गवर्नमेंट ज़्यादा मेरे ख्याल से सेक्टर में काम कर रही है जो इतना ज़्यादा तरक्की कर गया। पाकिस्तान की अगर आप देखें तो अब गवर्नमेंट पे ही अब जो आती है, हम यही सुनते आ रहे हैं शुरू से, करप्शन है, करप्शन है, नवाज शरीफ आया, कुछ नहीं हुआ, चीज़ें महंगी हो गई, इमरान खान है, फर्दर महंगी हो गई, मतलब वो एक तरह का इन्वेस्ट नहीं कर रहे उनके ऊपर। मेरे ख्याल से जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उनके ऊपर लोन ही इतना ज़्यादा कि वो उसको मेरे ख्याल से वो इन्वेस्ट नहीं प्रॉपरली कर पा रहे इन चीज़ों के, अगर आप देखें। यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट्स व्हाई वो ग्रो कर रही है। Can you please repeat the question? मैंने सुना। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट्स व्हाई उनका मुल्क जो है ग्रो कर रहा है। हाँ कह सकते हैं उनकी एक तो वही बात आ गई, उनका वास्ट एरिया, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उनके पास बॉडी भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा क्वान्टिटी में और क्वालिटी भी मेरे अच्छी है। बस ये कहूँगा कि भारत ऊपर निकला, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया भी एग्रीकल्चर कंट्री है। हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री पे फोकस किया, लेकिन इंडस्ट्री पे भी हम ऊपर नहीं जा सके। उन लोगों ने अपने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया, वो ऊपर निकलते गए, और आज ये टाइम है कि पाकिस्तान और भारत का जो आप कहने रैंकिंग का इतना फ़र्क है कि मेरे ख्याल अगले हम 5 साल भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम भारत से कम्पीट करेंगे। जहाँ तक बात है कि हमारा रकबा कम है, हम अपने कम रकबे के ऊपर भी प्रोडक्शन उस तरह नहीं करें। अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें तो एक एकड़ ज़मीन के अंदर हम अगर गंदम 40 मन निकाल रहे हैं तो वो उसी ज़मीन के ऊपर 80 से 90 मन निकाल रहे हैं। सारी चीज़ आती है रिसर्च के ऊपर। हम लोगों की ये प्रायोरिटीज़ हैं ही नहीं कि हम लोग अपनी रिसर्च को आगे लेके चलें। हम लोग की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, हम लोग इस चीज़ को भी अपने जहनों में लेके ही नहीं आते, ये हमारा मसला है। एक तो भारत की जो है प्योरिटी, उसका मतलब ज़्यादा वो प्योरिटी रखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और मतलब अपने फूड चेन में, और अपने उन्होंने एक मतलब हमारी जैसे एग्रीकल्चर बैकबोन हुआ करती थी हमारी इकोनॉमी की, और आज हमें लगता है कि वो इस कॉन्सेप्ट को वो लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मतलब भारत आज की डेट में मतलब इस हिसाब से आगे जा रहा है कि वो मतलब हर चीज़ में लीड कर रहा है, चाहे वो चले फूड तो बहुत एक छोटी सी बात आ गई ना, हर मतलब सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, और कहा भी ये जा रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान से कई साल आगे है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हम किन सेक्टर्स में हैं, वो उसको पीछे ले आएँ अपने पाकिस्तान को, क्या कहें? मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि अगर आज भी हमारे पास टाइम है, हम कोशिश करें तो हम दोबारा अपने आप को एज एग्रीकल्चर कंट्री जोन से है वो कर सकते हैं। लेकिन बात सारी वहीं पे आ जाती है कि हम लोग अभी करना नहीं चाहते, हम में से कोई बंदा भी इस टाइम, यहाँ तक कि अब ना लोगों की सोच इस तरह की होगी कि जो बंदा एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड है वो बंदा शायद पढ़ा लिखा नहीं है या उसको इस तरह का मसला है। जो थोड़ा सा पढ़ा लिख जाता है वो कहता है कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना। हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड, हाँ अवेयरनेस की कमी, हमने स्टैंडर्ड इस तरह के बना दिए कि भाई जो बंदा ऑफिस में काम करेगा वो बंदा पढ़ा लिखा है, जो बंदा अपना काम कर रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे लोगों को हम अवेयरनेस दें, उनको समझाएं कि इस चीज़ में एक तो डेवलपमेंट बहुत है, तरक्की बहुत है, और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत है। लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि जो जिम्मेदार कर रहा है बस वो हैंड टू माउथ है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जिम्मेदारों को मैं जानता हूँ जो लोग बहुत मॉडर्न जिम्मेदार कर रहे हैं, वो सारी बात क्या कि वो लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग जो जितने भी किसान उनमें से कोई पढ़ा लिखा है नहीं, उनको पता नहीं है कि दुनिया आज कहाँ पे है, वो लोग कहाँ पे हैं। अगर हम उन सारों को अवेयरनेस दें और हम पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड में एंटर करवाने की कोशिश करें, शायद कुछ हो सकता है। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इस तरह के और मज़ीद इंस्टीट्यूट्स बने, लोगों में मज़ीद अवेयरनेस आए, ताकि हम भी इस फील्ड में मज़ीद आगे जा सकें।